हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पीरियड में हम लोगों ने देखा है पैकेजिंग इन डीएनए। प्रो कैरियोट्स और यू कैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग को हमने यहाँ पर देखा है। यू कैरियोट्स के अंदर जो लास्ट पॉइंट हमारा था पैकेजिंग इन यू कैरियोटिक डीएनए, तो यहाँ पर डीएनए यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर प्रोटीन और डीएनए दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोटीन दैट फॉर्म न्यूक्लियोसोम और उसके सराउंडिंग में यहाँ पर कोर डीएनए और दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने के लिए लिंकर डीएनए वहाँ पर पाए जाते हैं। प्रोटीन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन हिस्टोन के अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले पीरियड में यहाँ पर हम देखा है। अब यहाँ पर हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। बिफोर स्टार्टिंग डीएनए रेप्लिकेशन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए। टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय डीएनए, फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन एंड सेकंड दैट इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। इस तरीके से दो फंक्शन है, हेट्रोकैटालाइटिक यानी डिफरेंट फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय डीएनए। डीएनए के जरिए अलग अलग फंक्शन यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय डीएनए, और उसकी एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर लिया गया प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद टॉपिक हमारा आने वाला है व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप, फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड स्टेप जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए दैट फॉर्म द मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेशन के अंदर मैसेंजर आरएनए एंड विद द हेल्प ऑफ टू अदर आरएनए टीआरएनए एंड आरआरएनए देयर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट आर फॉर्मिंग हियर। इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म बाय डीएनए, सो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शंस। और यहाँ पर जो रहेगा दूसरा ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन, सेल्फ ऑटो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, सेल्फ डुप्लीकेशन का प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पर कोई अलग फैक्टर नहीं है जो डीएनए को इंपैक्ट करने वाले हैं। सेल्फ ऑटोमेटिकली डीएनए के अंदर ये कैपेबिलिटी है दैट कैन परफॉर्म देयर ओन फंक्शन और दैट कैन प्रोड्यूस डुप्लीकेट डीएनए, और यही जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन कहा जाएगा, और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो रहेगी वो है रेप्लीकेशन। तो हमारा ये टॉपिक जो है यही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, व्हाट इज रेप्लीकेशन। 11 के अंदर भी हमने देखा क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी यहाँ पर जो है पाई जाती है, या उसी को हम कहेंगे सेल्फ डुप्लीकेटिंग एबिलिटी इज प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर यहाँ पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए है तो सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी पाई जाती है। एक्चुअल में ये जो वर्ड है रेप्लिकेशन, तो वो एक्चुअल वर्ड जो रहेगा उसका नाम है वो है यहाँ पर रेप्लिका, और रेप्लिका का मतलब होता है डुप्लीकेट, या हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं जेरोक्स कॉपी, यानी जो भी डीएनए है वो अपने जेरोक्स कॉपी अपने जैसा यहाँ पर जो है डुप्लीकेट डीएनए यहाँ पर जो है प्रिपेयर कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग उसका कर सकता है, इसीलिए रेप्लिकेशन, जिसको सेल्फ डुप्लीकेशन प्रोसेस या सेल्फ डुप्लीकेटिंग प्रोसेस के नाम से यहाँ पर पहचाना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक डीएनए और यहाँ पर यू कैरियोटिक डीएनए सबके अंदर प्रेजेंट रहेगा। पिछली स्टडी के जरिए से हमने देखा है जो प्रोकैरियोटिक डीएनए यहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होते हैं उनके अंदर भी यहाँ पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन हमें पता है कि ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर यहाँ पर जो डुप्लीकेशन का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो आमतौर पर यहाँ पर जो है बाइनरी फिशन के जरिए होता है। बाइनरी फिशन दैट प्रोसेस इज सेम लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर जो रहेगा पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर होगा, तो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में डीएनए जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ये सर्कुलर फॉर्म ऑफ जो डीएनए है एनी वन पॉइंट वहाँ से जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, अनवाइंडिंग पाई जाएगी, एक स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू होगा और दूसरा जो है अनवाइंडिंग यहाँ पर होगी। इस तरीके से एक डीएनए से दो सर्कुलर डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इस तरीके से यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन डिटेल में हमें यहाँ पर जो देखना है यहाँ पर रेप्लिकेशन इन डीएनए यूकैरियोटिक के अंदर हमें यहाँ पर देखना है, सेल्फ डुप्लीकेशन का प्रोसेस है वो यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर हमें देखना है। बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो
ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर किस तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें इसका देखना है कि रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक डीएनए दैट आर प्रेजेंट इन द सेल साइकिल के अंदर जो इंटरफेज है, जब सेल के अंदर नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट आर ऑब्जर्व, तो यहाँ पर सेल साइकिल यानी एम फेज, माइटोटिक या मियोटिक फेज का जो है प्रिपरेशन होता है, तो यूकैरियोटिक डीएनए इन दैट रेप्लिकेशन दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। एज वी नो दैट इंटरफेज यहाँ पर थ्री सब फेजेस के अंदर है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो ये रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है S फेज के अंदर, जिसको यहाँ पर हम कहते हैं सिंथेटिक फेज होता है, मिडल फेज होता है। G1 फेज के अंदर यहाँ पर रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, लेकिन कंप्लीट जो प्रोसेस यहाँ पर रहेगा S फेज के अंदर होगा, और उसके बाद फिर प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होगा। जब वन सेल इफ दैट आर डिवाइडेड इंटू टू सेल, सर्टन प्रोटीनस मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल दैट आर रिक्वायर्ड ईयर, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। तो ये इंटरफेज S फेज के अंदर यहाँ पर जो है यहाँ पर रेप्लिकेशन इन यू कैरियोटिक डी एन ए दैट आर टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पर हमें पता है यू कैरियोटिक डी एन ए जहाँ पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन का जो पॉइंट है वहाँ पर मेनी ओरिजिन पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन दैट, मेनी ओरिजिन पॉइंट्स आर प्रेजेंट, यानी यहाँ पर एक डी एन ए यहाँ पर थेरेड लाइक स्ट्रक्चर है, कई जगहों से रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो सकता है। सर्कुलर डीएनए के अंदर ऐसा नहीं था, एक ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पर जो मेनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन आर प्रेजेंट, कई जगहों पर यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर मेनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट आर प्रेजेंट एंड ऑल द रेप्लिकेशन एक्टिविटीज दैट आर कैरीड आउट इन द इंटरफेज और स्पेशली S फेज के अंदर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये आपका ये बैकग्राउंड है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेप्लिकेशन एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, विच इंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल प्रोसेस रेप्लिकेशन हम देखेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो उसके अंदर यहाँ पर मेनी पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट रहे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तो जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो रहेगा कि यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क का डेवलपमेंट होगा, यानी पेरेंट डीएनए यहाँ पर जो रहेंगे ये पेरेंट डीएनए दैट आर फॉर्मिंग अनवाइंडिंग नेचर यहाँ पर जो शो करेंगे, और ये ऐसी पोजिशन होगी कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो इन्वर्टेड Y शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ये डीएनए यहां पर जो रहेगा, जो Y अल्फाबेट Y है, तो इन्वर्टेड Y शेप्ड स्ट्रक्चर यहां पर जो बनते हैं। तो यहां पर इसको कहा जाएगा, जब दो अलग अलग स्ट्रैंड यहां पर होते हैं तो ये जो पॉइंट यहां पर होता है इसको कहा जाता है देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, इसको जो रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाएगा। अब यहां पर जो स्ट्रैंड है इसके बीच में यहां पर नाइट्रोजन बेसिस दो आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, पेयर में नाइट्रोजन बेस थे तो यहां पर पेयरिंग यहां पर जो ब्रेक हो जाती है। ये जो पार्ट यहां पर डीएनए का है इसके अंदर शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, अगर ये 3' है तो ऑटोमेटिकली यहां पर दूसरा स्ट्रैंड जो रहेगा वो 5' हो जाएगा। ये तमाम स्टडी हमने 3-5' ये यहां पर जो है हमने 11th के अंदर वो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। बहरहाल ये 3-5' यहां पर होते हैं। अब जो नाइट्रोजन बेसिस इनके अंदर पेयर में थे वो नाइट्रोजन बेसिस यहां पर जो है अनपेयर्ड हो जाते हैं, यानी यहां पर जो नाइट्रोजन बेसिस थे पेयर में, अगर यहाँ पर एडेनाइन है तो यहाँ पर उसका पेयर थायमिन के साथ है, या गुआनाइन है तो उसका पेयर यहाँ पर साइटोसिन के साथ है, दैट बिकम अनपेयर्ड। तो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर थी दैट आर ब्रोकन डाउन, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो बीच में से कट जाएगा एंड बोथ द स्ट्रैंड दैट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इस तरीके से डीएनए दैट आर प्रेजेंट इन अनवाइंडिंग कंडीशन। और यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनवाइंडिंग कंडीशन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क का डेवलपमेंट होता है। ये दोनों एक्टिविटीज़ के अंदर नाइट्रोजन बेसिस को कट करना और अनवाइंडिंग कंडीशन के अंदर यहाँ पर प्रोड्यूस कर देना, टू इंजाइम्स आर रिक्वायर्ड।
पहला जो फर्स्ट एंजाइम यहाँ पर जो है दैट इज कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कट द डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए फ्रैगमेंट को डीएनए को कट करने के लिए नाइट्रोजन बेसिस को कट करने के लिए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और दूसरा एंजाइम यहाँ पर जो रहेगा दैट इज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए। डीएनए को अनवाइंड करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए, यहाँ पर जो है इन्वर्टेड वाई शेप्ड स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर जो है हेलिकेज एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, जहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी वहाँ पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल है और वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए वहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा वहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब उसी के जरिए से डुप्लीकेट डीएनए यहाँ पर जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर जो है डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनने की जो शुरुआत होती है वो 3' एंड से होती है। यही वजह है कि उसका रिजल्ट 3' एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड होता है इसको कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड है। अगर ये लीडिंग है जब तक इधर की सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होती है, उसके बाद जब तक ये शुरू नहीं होगा, ये बाद में ये प्रोसेस शुरू होता है, तो 5' एंड वाला जो स्ट्रैंड रहेगा उसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट डीएनए दैट स्टार्ट फ्रॉम द 3' एंड तो दैट इज कॉल्ड ए लीडिंग स्ट्रैंड और दैट एंड्स विद द 5' एंड उसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है तो उसको तो हम कहेंगे डीएनए सेगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए स्ट्रैंड हम कहेंगे। जब ये अनवाइंडिंग कंडीशन में हो जाते हैं, अब यहाँ पर जब सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर डीएनए के होते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए टेम्पलेट, उसको जो है टेम्पलेट कहेंगे। अब यहाँ पर जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर ओल्ड स्ट्रैंड जो डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड ए टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो न्यू फॉर्मेशन वहाँ पर होगा उसको कहा जाएगा यहाँ पर दैट मस्ट बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन टेम्पलेट एंड वन कॉम्प्लीमेंट्री, इसके जरिए से न्यू डीएनए दैट आर फॉर्म्ड हियर या डुप्लीकेट डीएनए दैट आर प्रोड्यूसिंग हियर। अब जब प्रोसेस यहाँ शुरू होता है तो यहाँ पर 3' एंड पर एक इंजाइम है जो ये प्रोसेस को प्रोसीड करेगा और वहाँ पर दैट पर्टिकुलर इंजाइम दैट इज़ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर दिस इंजाइम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड को जैसा कि मैंने भी कहा है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उसको जो है यहाँ पर हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के नाम से पहचानेंगे। अब आरएनए प्राइमर 3' एंड पर यहां पर है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेसिस है वो कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन को लाकर कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि डीएनए की जो सीक्वेंस है वो यहां से आरएनए प्राइमर आगे बढ़ता जाएगा और उसके साथ साथ में यहां पर न्यू डीएनए का फॉर्मेशन यहां पर होता जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस जो यहां पर होगा, जिसके अंदर बाहर ओल्ड वाला टेम्पलेट है और ये अंदर वाला जो रहेगा उसको हम कहेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसको जो है यहाँ पर हम कहेंगे। अब जब इधर की सीक्वेंस पूरी हो जाएगी, आरएनए प्राइमर यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद इधर की सीक्वेंस यहाँ पर जो है कंप्लीट करेगा, आगे बढ़ेगा, 5' एंड वाला स्ट्रैंड बाद में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर 5' एंड वाला स्ट्रैंड जो बाद में कंप्लीट होगा, कंप्लीट तो होगा लेकिन ये जो कंप्लीशन रहेगा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर कंप्लीट सीक्वेंस है फिर बीच में गैप रहेगा, फिर उसके बाद कंप्लीट होगा, फिर बीच में गैप रहेगा, फिर कंप्लीट होगा, फिर गैप रहेगा, इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट और यहाँ पर जो ये जो फ्रैगमेंट यहाँ पर रहेंगे उस फ्रैगमेंट को कहा जाएगा ओकाज़की फ्रैगमेंट। ये जो फ्रैगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे उसको कहा जाता है ओकाज़की फ्रैगमेंट के नाम से यहाँ पर हम उसको जो है यहाँ पर पहचानते हैं। फिर यहाँ पर एक फोर्थ एंजाइम यहाँ पर यूज़ होने वाला है और वो फोर्थ एंजाइम जो रहेगा वो है लाइगेज एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम जहाँ कहीं पर भी रहेगा दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू ज्वाइन द डीएनए फ्रैगमेंट। ये जो ओकाज़की फ्रैगमेंट है जब लाइगेज एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर चलती है तो यह पूरा का पूरा फ्रैगमेंट यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से फ्रॉम वन डीएनए
there is a formation of two DNAs. दो DNA यहाँ पर जो है यहाँ पर बनते हैं, तो इसको कहा जाएगा duplicate DNA. अब ये DNA के अंदर यहाँ पर आप देखोगे दोनों बाहर का जो है ये old strand है और new strand यहाँ पर जो एक एक strand वो new strand है. बाहर के हिस्से में यहाँ पर old strand है और यहाँ पर new strand जो है यहाँ पर अंदर के हिस्से में है. अब यहाँ पर 4 strand है, दो template हैं, दो complementary हैं, जिसके अंदर से 50% old strand है और 50% यहाँ पर जो new strand है. तो याद रखना है बच्चों आपको कि यहां पर रेप्लिकेशन इन डीएनए दैट इज कॉल्ड एज, इसी बेस पर दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसको कहा जाता है. क्वेश्चन में भी आस, रीजनिंग क्वेश्चन में भी आस, व्हाई रेप्लिकेशन इन डीएनए इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, एक सेंटेंस में उसका आंसर रहेगा और वो रहेगा एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन 150% ओल्ड स्ट्रैंड एंड 50% न्यू स्ट्रैंड्स आर फॉर्मड हियर, सो दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड. सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव यूटिलाइजेशन. जब डुप्लीकेट डीएनए यहाँ पर बनते हैं तो 50% ओल्ड स्ट्रैंड और 50% न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इसीलिए दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड. तो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, एंडो न्यूक्लियस, हेलिकेज, आरएनए प्राइमर और लाइगेज. दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और हर एक एंजाइम का अलग अलग रोल यहाँ पर रहेगा, वो भी वहाँ पर आपको बता दिया गया है. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये डीएनए के अंदर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी यहाँ पर पाई जाती है, कोई और फैक्टर नहीं है. ऑटोमेटिकली जब सेल इंटरफेस के अंदर आता है, अब उसके बाद उसको एम फेज के अंदर डिवाइड होना है, तो उसके पहले उसकी तैयारी होती है. क्रोमोसोम तो डिवाइड होंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के अंदर, उसके पहले ये डीएनए जो है डिवाइड हो जाते हैं. और यहाँ पर डीएनए डिवाइड होने का जो प्रोसेस है वो अपने ही जैसा डुप्लीकेट डीएनए बनाते हैं, एंड दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन प्रोसेस. तो ये हो जाता है कंप्लीट. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा यहाँ पर रेप्लिकेशन इन डीएनए, उसी डीएनए रेप्लिकेशन जैसा कि हमने देखा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, उसको जो है एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन, एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको जो है यहाँ पर प्रूफ किया गया है. तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर डीएनए के अंदर होता है, इसको यहाँ पर प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट हैं, मिशेलसन और स्टाल. तो इसको कहा जाता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिशेलसन एंड स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. यहाँ पर इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हेवी नाइट्रोजन N15 को यूज़ किया है, यहाँ पर जो है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम क्लोराइड N15 और क्लोराइड ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर. नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है वो लाइट नाइट्रोजन होता है, N14 होता है, यहाँ पर हेवी नाइट्रोजन यूज़ किया है वो है N15. उसके बाद यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पर सीजियम क्लोराइड, इस केमिकल को यहाँ पर जो है यूज़ किया है ताकि पोजीशन ऑफ बैंड इज एग्जैक्ट यहाँ पर हमारे सामने आ जाए. जो नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो बॉन्डिंग यहाँ पर होती है, यही सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के तौर पर हेवी नाइट्रोजन यूज़ किया है, तो बॉन्डिंग की एग्जैक्ट पोजिशन यहाँ पर समझ में आए उसके लिए डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पर उसको जो है सीजियम क्लोराइड का उसने यूज़ किया है. जब एक्सपेरिमेंट यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये डीएनए यहाँ पर लिया गया N15, ये डीएनए किसका है, ई कोलाई बैक्टीरिया का, हेवी नाइट्रोजन के साथ में लिया गया है. जब इसके अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो रिमेंबर वन पॉइंट, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर मिनिमम 20 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन होता है. तो यहाँ पर 20 मिनट के अंदर N14 जो नॉर्मल नाइट्रोजन उसको लिया गया है अमोनियम क्लोराइड के साथ में N14, तो जब यहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर इसका डीएनए का डुप्लीकेट डीएनए वहाँ पर बनेगा, लेकिन N14 होने की वजह से यह जब बायफर्केशन यानी सेपरेशन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो एक यहाँ पर देखा जाएगा एक हेवी चेन, एक हेवी डीएनए है, दूसरा लाइट है, फिर लाइट है, फिर हेवी है, तो यहाँ पर लाइट और हेवी स्ट्रैंड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन होता है. अब ये हाइब्रिड डीएनए यहाँ पर जो रहेगा उसको फिर यहाँ पर जो हम 20 मिनट तक जो है यहाँ पर उसको फिर रेप्लिकेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ N14 और यहाँ पर जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ में किया जाएगा. अब ये दो स्ट्रैंड जो हैं यहाँ पर, दो डीएनए जो हैं इसके डुप्लीकेट बनेंगे, तो टोटल 8 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा.
पहला स्ट्रैंड जब N14 के साथ में कॉम्बिनेशन होगा, N15 है उसके साथ में ये N14 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ऑलरेडी N14 है तो N14 दोनों यहाँ पर जो है लाइट नाइट्रोजन वाले हो जाएंगे, फिर यहाँ पर N14 है, फिर इसका डुप्लीकेट बनेगा N14 हो जाएंगे, दोनों लाइट DNA यहाँ पर रहेंगे, और लास्ट N15 है लेकिन अमोनियम क्लोराइड N14 के प्रेजेंस में करेंगे तो हाइब्रिड यहाँ पर तैयार होती है। तो इस तरीके से इसका जो रेप्लिकेशन है यहाँ पर जो हाइब्रिड से तैयार होते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है जो आसानी से हम यहाँ पर जो है समझ सकते हैं। इसी को टेस्ट ट्यूब के अंदर भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के अंदर मिसेलसन एंड स्टॉल्स ने यहाँ पर बताया है। अगर इसको हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड, यहाँ पर N15 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर ये हेवी DNA है और दैट सिंक एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के नीचे यहाँ पर जो है जमा हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर जो है हेवी नाइट्रोजन के साथ में है। फिर ये 20 मिनट रेप्लीकेशन यानी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा, हाइब्रिड वैरायटी है तो एट द बॉटम नहीं रहेगा, मिडल पोजीशन में यहाँ पर DNA के स्ट्रैंड रहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड DNA का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। फिर इसको यहाँ पर 20 मिनट तक यहाँ पर हम यहाँ पर जो रेप्लिकेशन के बाद जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इसके अंदर किनारे वाले तो हाइब्रिड हैं और बीच के दो जो यहाँ पर लाइट हैं, तो ये हाइब्रिड DNA और लाइट जो रहेगा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हेवी था, ये जो है यहाँ पर लाइट है और ये हाइब्रिड वैरायटी है, यानी सभी पोजीशन यहाँ पर कंफर्म हो रही हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया गया है कि DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ पर फिगर के अंदर भी दिख रहा है, अगर यहाँ पर हेवी है लाइट के साथ में कॉम्बिनेशन किया गया, एक स्ट्रैंड हेवी है एक लाइट है, फिर यहाँ पर किया गया, यहाँ पर ये हाइब्रिड है ये प्योर लाइट है, ये दोनों यहाँ पर हेवी थे ये हाइब्रिड है और इसके अंदर हाइब्रिड और लाइट दोनों हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर DNA के अंदर हो रहा है। तो यहां पर ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के जरिए भी ये बता दिया गया है कि DNA रेप्लिकेशन दैट इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन देयर नेचर। तो यहां पर ये जो है जो मैंने थ्योरेटिकल इनवर्टेड वाई शेप्ड स्ट्रक्चर था, मिसेलसन एंड स्टॉल ने यहां पर एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ कर दिया है। तब इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक रहे, DNA रेप्लिकेशन इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव इन देयर नेचर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो। इंशाल्लाह अगले पीरियड में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।